पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हाँ चंदन। वाओ, ये कितना अच्छा लग रहा है और हम इसको अभी टेस्ट करने वाले हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि ये चलेगा या नहीं। दोस्तों टर्बाइन फुल फास्ट घूम रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी द मास्टर्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट इंडिया पाकिस्तान टेंशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि वो इंडस रिवर वाटर पे एक हाइड्रो पावर प्लांट बिल्ड करेगी जिससे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हाँ तन्ने। हाँ, तो यही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हम हाइड्रो पावर प्लांट का मिनी मॉडल बनाने वाले। ओह वाओ, आज हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यस, लेट्स गो। यस, हमने DIY स्टेप किट मंगा लिए और इससे हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो चलो फटाफट बनाते हैं। हाँ चलो। तो अभी हम इस टर्बाइन को इस बेस में इंस्टॉल करेंगे और ये हमारा मिनी जनरेटर। ये क्या है छोटा छोटा? ये नट बोल्ट है जिसकी मदद से हम ये ब्रैकेट को बेस में फिट करेंगे। तो गाइस, हाइड्रो पावर प्लांट यूजुअली डैम के ऊपर ही बनाया जाता है क्योंकि डैम से एकदम हाइट से पानी फ्लो होता है और जिससे वो टर्बाइन पे गिर के वो रोटेट होता है और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हमने एक डैम का भी वीडियो बनाया था, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप वो वीडियो जरूर देखें। अभी हमारा बेस रेडी है, अभी हम इस पे टर्बाइन व्हील फिट करेंगे। पहले हम ये शाफ्ट को टर्बाइन व्हील में इंसर्ट करेंगे और बाद में इसको बेस पे माउंट करेंगे। शाफ्ट को इंस्टॉल करते वक्त केयरफुल रहे क्योंकि ये बहुत शार्प है, ये लग सकती है। गाइस, हमने इसको फिट कर दिया है। मस्त घूम रहा है ना ये, और अच्छे से भी स्मूथली चल रहा है। तो ये डिवाइस मोटर नहीं जनरेटर है। जनरेटर के अंदर डायनेमो होता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अभी हम ये जनरेटर को बेस में माउंट करेंगे। तो अभी हमने ये जनरेटर को 2A टेप से स्टिक कर दिया है और इसको लॉक कर दिया है। तो गाइस, जब हमने टर्बाइन फिट किया था तब हम रबर डालना भूल गए थे, लेकिन बाद में हमने टर्बाइन सब निकाल के हमने रबर फिट किया है। टर्बाइन की पुल्ली से लेके जनरेटर की पुल्ली तक। हाँ, तो अभी हम LED सीरीज बनाएंगे और यहाँ पे बहुत इनोवेटिव तरीके से दिया है। ये एक बेस है, ये मेटल की स्ट्रिप्स है और ये क्रोकोडाइल पिन की मदद से हम इसको जनरेटर के साथ जोड़ेंगे। तो अभी ये LEDs है, ये लंबा वाला लेग पॉजिटिव एंड है और ये छोटा वाला लेग नेगेटिव एंड है। सारे पॉजिटिव लेग एक साइड और सारे नेगेटिव लेग एक साइड, ऐसा करके हम इसमें फिक्स करेंगे। तो अभी हम LED के पॉजिटिव लेग्स को फोल्ड करके मेटल स्ट्रिप पर फिक्स कर देंगे। पॉजिटिव साइड्स हमने फिक्स कर दिए है, अभी हम नेगेटिव लेग्स को सामने वाली स्ट्रिप पर फोल्ड करके फिक्स कर देंगे। अभी हमारी LED की सीरीज रेडी है। अभी हम इसको क्रोकोडाइल पिन से जनरेटर से कनेक्ट करेंगे। इसके साथ एक स्टैंड भी है जिसके ऊपर हम LED सीरीज फिक्स करेंगे। तो अभी हमने क्रोकोडाइल पिन के ब्लैक वायर से जनरेटर के ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम क्रोकोडाइल पिन को LED स्क्रिप से कनेक्ट कर रहे हैं। ऊपर हमने ब्लैक कनेक्ट किया और नीचे हमने रेड कनेक्ट किया। फ्रेंड्स, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट टेस्ट करने के लिए रेडी है। वाओ, ये कितना अच्छा लग रहा है और हम इसको अभी टेस्ट करने वाले हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि ये चलेगा या नहीं। चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। हाँ चल, टेस्ट करते हैं फटाक से। चलो जल्दी। तो अभी हम वॉशरूम में आ गए हैं क्योंकि इसको फोर्स से पानी चाहिए होता है। तो हमने टर्बाइन को नल के नीचे रखा है और सर्किट को थोड़ा दूर रखा है। 3, 2, 1 गो। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं LED चालू है। वाओ, कितना मस्त लग रहा है ना। तो दोस्तों, टर्बाइन घूम रहा है इसलिए पुल्ली भी घूम रही है और पुल्ली घूम रही है इसलिए जनरेटर भी घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर LED लाइट्स भी चालू हो रही है और सर्किट थोड़ा सा दूर रखे इसलिए
ताकि पानी सर्किट पे ना आए। मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको। दोस्तों टर्बाइन फुल फास्ट घूम रहा है। ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया सक्सेसफुल। तो आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हम आपके आपके पास नए नए वीडियोस पहुंचा सके। और नेक्स्ट करें।